हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। वीडियो में देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं कि चाइना और इंडिया में 53 साल बाद गोलीबारी भी हो गई और जंग अभी तक शुरू ही नहीं हुई। ये पाकिस्तानी चाहते हैं कि इंडिया चाइना में जंग हो जाए तो इनका कुछ फ़ायदा कश्मीर पर हो जाए। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। वो ये है कि कुछ 53 सालों में पहली मर्तबा चाइना और भारत के दरमियान जो LAC एक ज़माने में कहते थे जिसको, उसके ऊपर गोली चली है। 53 सालों में कभी इस पर गोली नहीं चली। ये जिसको कहते हैं नो फायर जोन और गोलियां चली हैं। और BBC जो है वो ये कह रहा है कि चाइना ने कहा है कि इंडियन ट्रूप्स फायर्ड प्रोवोकेटिव शॉट्स इन बॉर्डर डिस्प्यूट। अल जजीरा खबर दे रहा है इंडिया चाइना एक्यूज ईच अदर ऑफ फायरिंग शॉट्स एट टेंस बॉर्डर। और गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, सब गार्डियन, चाइना एंड इंडिया एक्यूज ईच अदर ऑफ ओपनिंग फायर एज बॉर्डर टेंशन राइज। और ये जो है ये मामलात खराब हो रहे हैं। अच्छा, ये जो है मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं कि ये मामलात इतने खराब हो गए हैं कि इसमें बहुत से अखबारात उनके, और अब जरा थोड़ा सा उन्होंने खुल के बोलना भी शुरू किया है हिंदू में, जैसे कि उन्होंने ये लिखा है हिंदू में कि LAC का जो एग्रेशन है वो इंडियाज ऑफस्केशन, और उसमें फिर इन्होंने खुल के नीचे लिखा है कि जी इंडिया जो है वो बात नहीं कर पा रहा, बता नहीं पा रहा। हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है कि PLA मूव्स इन लद्दाख इज पार्ट ऑफ बीजिंग्स प्लान टू डीस्टेबलाइज इंडिया। मतलब ये खुल के अब बात इन्होंने शुरू कर दी करना, और ये कह रहे हैं कि अब उनके यहाँ ये बात आनी शुरू हुई है कि जी क्यों हमारी जो लीडरशिप है वो हमसे झूठ बोल रही है और हमें सही नहीं बता रही लोगों को। अच्छा, अब इसके अंदर जो असल बात है ना, देखें बात ये है कि ये इन मजमूनों, यही जो मैं पढ़ रहा हूँ, अमेरिका ने इनको छोड़ दिया और कहा है कि ये बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रंप साहब ने कहा है कि इनको थोड़े जूते लगाओ। मैं ज़रा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि बात नहीं सुनते इनके जो मौजूदा हुक्मरान है। वैसे ओवरऑल इंडिया की बात नहीं कर रही, ये जो मोदी सरकार है बात नहीं सुनती। तो वो जो जपियाँ पाप आ गए उसने इनको जूते लगाओ थोड़े से, और जूते वूते लगा के जब ये सही हो जाएँ, इधर हम ताकत बन रहे हैं, पावर बन रहे हैं, थोड़े जूते लगा के इनकी मरम्मत करो, मैं उतनी देर में इलेक्शन जब निपटा के सामने आता। तो ये वहाँ पे तिब्बत पे, और अच्छा इन्होंने उसके बाद क्या कहा उस दिन, हमने बात की थी ना, इन्होंने कहा 5 बंदे मारे चुके ले गए। तो चाइना ने आगे से क्या कहा, चाइना ने कहा कोई बंदे आपके इलाके से चुके लेके नहीं गए, वो जो अरुणाचल प्रदेश है वो तो है ही हमारा इलाका, आपका इलाका कब से हो गया। अच्छा, तो उन्होंने अपना नया नक्शा जारी किया, उस नए नक्शे के अंदर उन्होंने कहा दोबारा तो देख लो आंखें खोल के जरा। अब वो गले पड़ गया इनके, यानी एक तरफ वो लद्दाख और ये सारा एक तरफ है जहां ये चोटियां वोटियां कह रहे थे ना, मैंने सर कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया सारा, वो दूसरे कोने पे ये अरुणाचल प्रदेश है जो वो जो मैं कहता हूं 7 सिस्टर स्टेट, उनमें सबसे बड़ी जो स्टेट है, जो सबसे ऊपर है, और जिसके यानी वो उसके साथ जो है वो आप समझ लें कि वो तिब्बत का एक बॉर्डर, मैकमोहन होते थे इनके, मैकमोहन लाइन उसे कहते हैं। अच्छा, तो चाहे यहां पर अब ये हुआ है कि सूरत हाल कुछ ऐसी डिवेलप हुई है कि एक तो चल रही है गोलियां फर्स्ट टाइम, दूसरा ये है कि चाइना ने कहा है कि आप हमारी टेरिटरी में आए हैं। उन्होंने इल्जाम चाइना ने लगाया कि आपके लोग हमारी टेरिटरी में आ गए, ये इनकी ये पहाड़ों की चोटियों पर इधर बैठे हुए थे, ये इधर बैठे हुए थे, वो इन्होंने कहा कि वो, अब आप सोचें कि कहां पर अरुणाचल प्रदेश है, वो एक कोना ये है, एक कोना वो है भूटान वाला, वो पूरा का पूरा, इसमें कह रही है 2.5 फ्रंट वॉर है। परसों 3 फ्रंट वॉर थी ना, अब उसको 2.5 फ्रंट वॉर इनके आज जो मीडिया में बात डिस्कस हो रही थी वो मैं देख रहा था, 2.5 फ्रंट वॉर, यानी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान कश्मीर को आधा रखा है उन्होंने, और अभी भी कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान और कश्मीर, तो कश्मीर को 2.5 कर दिया, 3 की जगह 3 करें या 2.5 करें जो भी करें, यानी इसका मतलब है कि इनको इंटरनेशनल बॉर्डर का मसला है। अच्छा, राजनाथ जो है वो टोटल जबरदस्त वहां गए, और वहां पर उनकी मुलाकात जो है वो हुई, और उन्होंने साफ सुना दिया चाइनीज ने, वापस आए वो तेहरान, जो कल भी बात हुई थी। अच्छा, तेहरान आए, और तेहरान आने के बाद उनकी कुछ बात बनी नहीं तेहरान में, वो बात उनकी बनी नहीं। अच्छा, और अब क्या हो रहा है
कि अब यहां से जयशंकर साहब जो हैं वो निकलें और ये अल्लाह करे कि इनके मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, लेकिन मुझे उसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। मॉस्को के लिए निकलें, लेकिन मॉस्को जाते जाते वो फिर तेहरान में रुक गए हैं। ये उनकी तेहरान की तस्वीरें हैं जयशंकर के। एक मिनट, कल परसों तो वहां राजनाथ वजीर दिफा आए थे ना, वो वापस आते हुए तेहरान से आए थे और ये जाते हुए मॉस्को। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब भी कल रवाना हो रहे हैं क्योंकि वज़रा खारजा की शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इन्होंने ट्वीट किया थोड़ी देर पहले ये जयशंकर जी ने, और ये कह रहे हैं कि मेरी मीटिंग हुई। अच्छा, मीटिंग हुई अभी तो आपको वजीर दिफा होकर किया है, तो ये इनको प्रॉब्लम वहां पे जो है वो ये है कि यूरेशियन टाइम्स की खबर, यूरेशियन टाइम्स कह रहा है कि चाइना ऑन वर्ज ऑन ग्रैबिंग चाबहार पोर्ट फ्रॉम इंडिया, टॉप मिनिस्टर विजिट्स तेहरान। तो इनका प्रॉब्लम ये है, वही है कि किसी तरह से चाबहार हाथ से चूंकि निकल रही है, तो पहले वजीर दिफा गया, आप सोचें एक दिन के बाद वजीर खारजा जा रहा है तेहरान, और फड्डा वहां पे पड़ा हुआ है जनाब चाइना के साथ। अभी तो जमीन खाली करवाए ना, अभी तो देखे ना वो चाइना के साथ गोलियां चली हैं 53 सालों के बाद, और ये मामला इनका बढ़ता जा रहा है, और अभी इनको इस बात का एहसास हो रहा है कि अमेरिका ने हमें डम कर दिया। तो देखा आपने, ऐसा लगता है कि हम भारतीयों से ज़्यादा इन भाई साहब को पता है। चीन की भड़ाई तो करेंगे क्योंकि आजकल अमेरिका ने भीख देनी बंद कर दी है, तो कटोरा लेके चाइना के पास ही जाएंगे। बात घुमाकर चिकन नेक, सेवन सिस्टर स्टेट, अरुणाचल प्रदेश वगैरह वगैरह बातों पर ले आते हैं। अब जयशंकर प्रसाद की ईरान यात्रा को लेकर भी उसमें कुछ ना कुछ षड्यंत्र निकाल रहे हैं। आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।